गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और काम में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, और भगवान से यही मनाती रहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको ये ली बात हम आपको बताना चाहते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे उम्र 30 साल हो गया है। मेरा उम्र पूरा वायदा में 31 साल मेरा उम्र है, और मेरे 13 साल में मेरी शादी हुआ। ये तो सही में 13 साल में शादी हुआ, तो समझिए जिसका 13 साल में शादी हो उसका लड़का कितना बड़का होगा। मेरी 31 साल उम्र हुआ, 30 पूर कर मुझे 31 साल हो गया, और हम आपसे कुछ बताना चाहती हूँ, वीडियो में आप बने रहें। मेरा 2 लड़का हैं, एक लड़का मुंबई में पढ़ता है जो समझिए कितना साल का है, 16 साल का है। 17 साल मेरा शादी का हो गया है, लड़का मेरा 16 साल का है एक लड़का, और एक लड़का मेरा 14 साल का है जो पढ़ता है, वो भी पढ़ता है, और मेरा बड़ा वाला मुंबई पढ़ता है क्योंकि अभी वो कुछ पढ़ाई भी करता है। और साथ में मैं यहीं से पढ़ी हूँ, अपने गांव से ही, जो यहाँ गांव है मेरा, मैं ससुराल से ही पढ़ी हूँ क्योंकि मेरे पति हमको पढ़ाए हैं, तो मैं पढ़ी हूँ। मतलब मैं अपनी निजी जीवन के बारे में बता रही हूँ। शादी के बाद में मुझे 2 लड़का हुआ, और काफ़ी मैं खुश हूँ, अभी भी मैं खुश हूँ। थोड़ा दिकदारी हुआ, इसके बाद में मैं हीरो एजेंसी परिहार में काम करती थी, तमन्ने जी नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरे सर हैं, नाम नहीं ले सकते, तभी हम आपको नाम ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि नाम लेंगे तभी ना आप जानिएगा। जो हीरो एजेंसी परिहार में है, वहाँ पहले मैं काम करती थी, 2019 से काम किए, और इसके बाद में मैं घर में, अभी जब वायरल हो गई तो मैं घर में बैठी हूँ, मैं काम करने के लिए नहीं जाती हूँ। उससे वो हमको बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा, वहाँ का स्टाफ सब भी बहुत अच्छा है। कभी भी अगर ऐसा हो तो हम आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कहाँ काम करती थी। फिलहाल मैं अभी मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पंडित जी क्या करते हैं। देखिए मेरे पंडित जी ताम रहे हैं खेत, देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? क्या करें, घर को साफ कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कुछ सुजान उजान भाव करेंगे, ये बोल रहे हैं कि सुजान भाव करेंगे। देखिए खुद अपने खेती करते हैं हम लोग, सुजान उजान भाव करेंगे। और देखिए मेरे घर, और थोड़ा सा दिकदारी होता रहता है क्योंकि बच्चे के पढ़ने के लिए मैं बाहर भेजी हूँ, तो हर महीना उसको पैसा दिया जाता है, और मैं कुछ लेट से उठती हूँ, मैं सवेरे नहीं उठती हूँ, लगभग मैं 6 बजे के लगभग मैं उठती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी बोलती है कि अगर सास रहता तो सात गदिया का मार मारता, बोलती कि जल्दी उठो। और मेरे घर में झगड़ा उगड़ा नहीं होता, मैं प्यार की बात जानती हूँ और प्यार से रहना जानती हूँ। दुख सुख तो सबको लगा हुआ है, तो मुझे हो गया तो क्या हुआ? और मैं बकबक आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो नए दर्शक देखने वाले, जो मेरी फैमिली हैं, मेरे जिगर के छल्ला वाले नहीं होते हैं गुच्छा चाभी, वो जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं सही बोली या गलत बोली हूँ। और मैं अपने बाबू को ज़रूर दिखलाऊँगी, अभी नहीं दिखलाऊँगी क्योंकि वो सब है नहीं जो हम आपको दिखलाऊँगी, वो बाहर रहता है, और जब भी आएगा वो आएगा जनेऊ करने के लिए, हम लोग का जनेऊ होता है, तो जनेऊ होगा तो ज़रूर हम आपको दिखलाएंगे, और आप लोग देखिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं तो हम बता दिए हैं, क्योंकि मेरा शादी का 17 साल हो गया है, और काफ़ी लंबा दिन हो गया है, और मैं जस की तस हूँ। मेरी मम्मी बोलती रहती है कि तू जुबान होती जा रही है, मेरे दामाद है ना जो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, तो जितना मेरा उम्र रहेगा वही ना होंगे। माँ का तो होता है कि मेरी बेटी बुढ़िया हो जाए और मेरे दामाद जवान रहे, तो क्या करें बताइए आप लोग। उम्र के सिवा नहीं है, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं दाल भात सब्जी खाती हूँ, चा
और कुछ मैं खाती हूँ बहुत अच्छे तरीका से, सब कुछ एक मिला के खा लेती हूँ। मुझे नूने रोटी रहता है, मैं खाती हूँ ज़रूर। खाना उतना तो मैं खाई भी नहीं करती हूँ, थोड़ा मोड़ा खाती हूँ, तभी मेरा देह एकदम स्वस्थ है। थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता रहता है, प्रॉब्लम होता रहता है। तो मेरे वीडियो में बनने के लिए थैंक यू, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, कुछ ना कुछ बोलते बोलते कुछ ना कुछ आपको सुनाते सुनाते ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।